भाई आपने दो एक्टर्स और दो रैपर्स के बीच की कंट्रोवर्सी तो देखी होगी, लेकिन इस साल के एंड में हमें देखने को मिल रही है दो मोटिवेशनल स्पीकर्स के बीच की कंट्रोवर्सी। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी की। अब आप में से जो लोग सोच रहे हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में पंगा किस बात से हो गया, तो रुको मैं बताता हूँ, मुझे ये काम बहुत अच्छे से आता है। तो होता कुछ ऐसा है, रोज की तरह संदीप भैया देश की निराश जनता को मोटिवेट कर रहे होते हैं, तभी ऑडियंस में से कुछ लोग एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में बताते हैं, जो होता है बड़े बड़े यूट्यूबर्स के द्वारा चलाई जा रही नेटवर्क मार्केटिंग की स्कीम, की आखिर कैसे कुछ यूट्यूबर्स बिजनेस के नाम पर नेटवर्क मार्केटिंग करके भोले वाले लोगों का पप्पू बना रहे हैं। तो भैया ने जनता को अवेयर करने के लिए इस टॉपिक पर बना दी वीडियो और डाल दी यूट्यूब पर, जिससे विवेक बिंद्रा को गुस्सा आया और उन्हें संदीप भैया के घर भेज दिए अपने गुंडे, सॉरी एम्प्लॉय। अब भाई इस बात से पंगा तो होना था, क्योंकि अपनी पूरी वीडियो में संदीप भैया ने विवेक बिंद्रा का कहीं भी नाम नहीं लिया था, लेकिन फिर भी विवेक बिंद्रा को बुरा लगा। इसका मतलब यही वो इंसान है जो लोगों को 50,000 का कोर्स बेच के पप्पू बना रहा है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? अब भाई मैटर कुछ भी हो, मैं तो ये सोच रहा हूँ जैसे दो रैपर्स एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट बना के रिप्लाई देते हैं, तो अब ये दोनों मोटिवेटर्स एक दूसरे को आखिर कैसे रिप्लाई देंगे।